मैं रेखा, मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज सुपर रसोई में क्या बना है। मैं आपके लिए देखिए तिल के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो बहुत ही मिनटों में बन जाती है। और सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो सर्दियों में तिल के लड्डू खाना बहुत ही लाभदायक होता है शरीर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए बना लेते हैं तिल गुड़ के लड्डू। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं, और मैंने यहाँ 250 ग्राम तिल लिए हैं, और मैंने इस तरह के तिल लिए हैं। आप चाहे तो व्हाइट वाले तिल ले सकते हैं, या इससे भी अलग वाले आते हैं, कई तरह के मार्केट में तिल आते हैं, लेकिन ये वाले तिल अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से साफ़ कर लिया है, इनमें किरकल होती है, थोड़ी सी कंकरियाँ होती है, उसे अच्छे से छान कर साफ़ कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने बराबर का गुड़ लिया है, यानी कि 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है, और 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं। तो चलिए बना लेते हैं, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये लड्डू। तो चलिए उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है। अब तिल, सबसे पहले तिल भून लेते हैं, और तिल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 3 से 4 मिनट में भून जाते हैं। आपको पता चल जाएगा कैसे भूनते हैं, इनमें आवाज़ आने लगेगी चटक चटक की। तो चलिए मैंने गैस ऑन कर दिया है, और मैं मीडियम पर ही इन्हें पकाऊंगी, यानी कि थोड़ा सेकेंगी इन्हें। तो देखिए तिल हमारे भुन चुके हैं, और तिल को चेक करने का तरीका मैंने बताया आपको, कि देखिए इसमें चट-चट की आवाज़ आने लगेगी। देखिए तिल के चटकने की आवाज़ आ रही है। अगर आपको ऐसे भी ना पता चले तो तिल जब भुन जाते हैं तो खुशबू आती है, और अगर ऐसे भी ना पता चले तो आप थोड़े से तिल को मुँह में लीजिए और दांत के नीचे दबाएंगे तो एकदम सॉफ्ट लगेंगे, तोड़ने पर ये बहुत सॉफ्ट लगेंगे, तो इसका मतलब आपके तिल भुन चुके हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो चुका है, और आवाज़ भी आने लगी है चटकने की। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने वही कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में आप गुड़ डाल देंगे, और गुड़ को, कढ़ाई हमारी गर्म है तो गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे, और तिल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 3 से 4 मिनट में हमारे तिल भून गए थे, और ये भी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। देखिए मैंने क्योंकि टुकड़े करके डाले हैं, और आप और भी जल्दी इसे पिघलाना चाहते हो तो ग्रेट करके डाल दीजिए कद्दूकस से, ये देखिए। और मेरा गैस बिल्कुल स्लो है, तो देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है, और हम गुड़ को चेक करेंगे तभी हमारे जो लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे लगातार चलाइएगा वरना चिपक जाएगा। तो अभी मैं इसे चलाती हूँ 1-2 मिनट के लिए। तो चलिए गुड़ को चेक कर लेते हैं, और गुड़ को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, और इसमें 2-3 बूंद डालकर देख लेते हैं। और अगर आपका गुड़ इकट्ठा हो रहा है, ये देखिए इकट्ठा हो रहा है, तो ये तैयार हो चुका है। अगर ये घुल जाता तो नहीं बना था, अब ये इकट्ठा हो गया है। तो चलिए अब तिल डाल देते हैं इसमें। गैस मेरा बिल्कुल स्लो है, और इसमें तिल डाल देती हूँ, और तिल को अच्छे से मिला लेते हैं इसमें। ये देखिए बहुत ही आराम से मिल गए हैं, और अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है इसमें। घी डालने से क्या होगा, आपके जो तिल के लड्डू हैं उनमें अच्छी सी शाइन आएगी और बढ़िया से चमक आएगी। तो अब इसे नीचे उतार लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से चलाकर थोड़ा सा ठंडा करिए, ज़्यादा ठंडा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना ये बिल्कुल भी लड्डू नहीं बनेंगे आपसे। और इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, और फिर हम हाथों में पानी लेकर या फिर घी लगाकर भी लड्डू बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस तरह से अलग से इसमें, ताकि हम उसको आसानी से उठा सकें, एक साइड में इसको कर देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा गर्म होगा, और जिसको आप इस तरह से डालकर रखेंगे उसके लड्डू आराम से बन जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, और हाथों में थोड़ा पानी लगा लूँगी, और इस तरह से थोड़ा सा पोषण और लेती हूँ। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से जैसे भी चाहें लड्डू बना सकते हैं, थोड़ा दबा के बनाइएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और ये देखिए
कितने बढ़िया हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हो गए। अब मुझे फटाफट फटाफट इसको बनाना होगा, वरना ये ठंडे हो जाएंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो देखिए हमारे तिल के लड्डू बनकर तैयार है और बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। सर्दियों में इन्हें खाना बहुत सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो चलिए इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।